हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है लाइक सीएसआईआर नेट गेट आईआईटी जेम या और भी गवर्नमेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम, तो मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। और स्टूडेंट यहाँ पे मैंने जनरल एप्टीट्यूड की जो सीरीज है वो मेरे नए वाले चैनल पे स्टार्ट करी है। यहाँ पे एक बार आई टिप पे जाके आप देख लीजिए, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम एसएससी है, बैंक पीओ या और भी एग्जाम है जहाँ पर जनरल एप्टीट्यूड पूछा जाता है, वो सीरीज बहुत ही हेल्पफुल, एक बार आप जाके देख लीजिए। और स्टूडेंट यहाँ पे मैं जो टॉपिक लेके चल रहा था वो ग्रुप थ्योरी है और आज से मैं आपके सामने स्टार्ट करने वाला हूँ रिंग थ्योरी। पर स्टूडेंट अगर आप रिंग थ्योरी समझना चाहते हैं तो आपको एक बार थोड़ा सा ग्रुप थ्योरी समझना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे मैंने काफ़ी सारे डेफिनेशंस ग्रुप की और लाइक साइक्लिक ग्रुप, सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप, क्वेश्चन ग्रुप, देन होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, ऑटोमॉर्फिज्म, सो ये सब टॉपिक मैंने पढ़ा दिए। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो आईटी बार है यहाँ पे जाके एक बार मेरे पुराने वीडियोस देख लीजिए, देन आप रिंग थ्योरी पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छा समझ में आने वाला। सो स्टूडेंट मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ आज की जो रिंग है वो होता क्या है, प्लस इस पर बेस्ट कुछ एग्जाम्पल लेंगे और यहाँ पे जो रिंग की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होती है वो भी मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। तो स्टूडेंट देखिए रिंग क्या होता है, यहाँ पे बात करेंगे सबसे पहले रिंग, और रिंग के बारे में बात करेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पे सबसे पहली बात होती है कि जो स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे दो ऑपरेशन होते हैं, राइट। नॉर्मली ग्रुप में एक ऑपरेशन होता है जी प्लस, राइट, या जी मल्टीप्लीकेशन या जो भी होता है, राइट। यहाँ पे दो हमारे पास क्या होते हैं, ऑपरेशन होते हैं। द स्ट्रक्चर आर प्लस मल्टीप्लीकेशन कंसिस्टिंग ऑफ नाइन वॉइड सेट आर विथ टू बाइनरी ऑपरेशन डिनोटेड बाय प्लस एंड मल्टीप्लीकेशन। मे भी यहाँ पे देखो मल्टीप्लीकेशन को हम यहाँ डॉट से भी डिनोट करते हैं, सेट टू ए रिंग। इफ यहां पे प्रॉपर्टीज होती है, फर्स्ट प्रॉपर्टी ये होती है कि जो R प्लस है, मतलब इस प्लस ऑपरेशन के अंदर जो R है वो क्या होना चाहिए, अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। इस अबेलियन ग्रुप की प्रॉपर्टी क्या होती है, ग्रुप को एक बार समझने के लिए आपको बता दूं कि यहां पे क्लोज होना चाहिए प्लस के लिए, देन उसके बाद एसोसिएटिव होना चाहिए, आइडेंटिटी होनी चाहिए, इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, देन ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस है, लाइक कम्युनिटी होना चाहिए, राइट। तो अगर ऐसा होता है तो वो क्या होता है, अबेलियन ग्रुप होता है। उसके बाद जो हमारे पास आर मल्टीप्लीकेशन या डॉट भी लिखते हैं, ये क्या होना चाहिए, सेमी ग्रुप होना चाहिए। स्टूडेंट सेमी ग्रुप का मतलब होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यहां पे क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए फॉर मल्टीप्लीकेशन, राइट। एसोसिएटिव होता क्या है मल्टीप्लीकेशन के लिए, आप देख लीजिए, आप ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू क्या होता है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो अगर यहां पे इन दोनों को पहले करें या फिर यहां पर इन दोनों को पहले करें, अगर बराबर होता है तो वो क्या होता है, एसोसिएटिव होता है। तो मतलब वो हमारा क्या होता है, सेमी ग्रुप होता है, राइट, ठीक है। तो ये दो प्रॉपर्टी होनी चाहिए। उसके बाद एक थर्ड प्रॉपर्टी होती है, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, तीन एलिमेंट आपके पास दे रखे हैं, तो इट्स डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इज कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू ऑपरेशन, राइट, प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन, क्लियर है। क्या होता है स्टूडेंट, बी प्लस सी इनटू ए, तो ये जो ए है ये इससे भी अलग मल्टीप्लाई होगा, इससे भी अलग मल्टीप्लाई होगा, दैट इज कॉल्ड लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, राइट। एंड अगर इसको हम पीछे से मल्टीप्लाई करें, लाइक ए प्लस बी क्रॉस सी, तो ये क्या होगा, पीछे से मल्टीप्लाई होगा, दैट इज ए क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी, दिस इज कॉल्ड राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, राइट। ये दोनों भी क्या होने चाहिए, सेटिस्फाई होने से। दस वी सी दैट रिंग आर प्लस मल्टीप्लीकेशन सेटिस्फाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज फॉर ऑल ए कोमा बी कोमा सी, देन दिस इज कॉल्ड रिंग। अब स्टूडेंट यहां पे बड़ा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को कि सर, क्योंकि रिंग के बाद आगे और भी डेफिनेशन आने वाली, लाइक फील्ड भी आने वाला है और मैंने अभी ग्रुप भी पढ़ाया था, तो यहां पर अल्टीमेटली सीधे सीधे और शुद्ध भाषा में बताना चाहता हूं यहां पर कि दो ऑपरेशन होते हैं, एक होता है प्लस, दूसरा होता है मल्टीप्लीकेशन, या और भी कुछ ऑपरेशन हमें बता रखे हो लाइक मॉडुलो हो या कुछ भी हो सकता है। तो स्टूडेंट आपको बताना चाहता हूँ कि प्लस के अंदर तो हमेशा क्या होना चाहिए, अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, देन जो दूसरा ऑपरेशन दे रखा है लाइक मल्टीप्लीकेशन है तो उसके अंदर वहां पे क्या होना चाहिए, वो सेमी ग्रुप होना चाहिए, और सेमी ग्रुप का मतलब होता है वहां पे एसोसिएटिव लॉ क्या होना चाहिए, लगना चाहिए। उसका जो थर्ड प्रॉपर्टी होती है वो हमारी क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव होना चाहिए, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव दोनों ही होना चाहिए। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है ए क्रॉस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, एंड ए प्लस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू क्या होता है, ए क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी। अब एग्जांपल लेता हूं मैं आपके सामने, उससे आपको समझाने की कोशिश करता हूं। एक बार ये जो प्रॉपर्टीज है इनको आप समझ लीजिए, हम जानते हैं ये प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होता है, चूंकि हमारे पास ग्रुप की डेफिनेशन मैंने बोला कि ग्रुप में क्या क्या परिभाषा होती है, एक तो क्लोज होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, एसोसिएटिव होना चाहिए, है ना, देन हमारे पास क्या, जीरो एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए, क्योंकि प्लस में ग्रुप है तो ऑब्वियसली प्लस में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, जीरो होता है। देन थर्ड एलिमेंट क्या होना चाहिए, उसके लिए इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए प्लस के अंदर, क्योंकि ग्रुप है ना, तो अगर ए एलिमेंट है तो उसका माइनस ए भी क्या होना चाहिए, आर में होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए, है ना, जैसे पांच है तो उसका इनवर्स क्या होगा, माइनस का पांच होगा, राइट। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे क्या होना चाहिए, कम्युनिटी होना चाहिए, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होना चाहिए, राइट, प्लस के अंदर। स्टूडेंट उसके बाद सेमी ग्रुप की डेफिनेशन आती है, ये हमारा सेमी ग्रुप है ना, आर प्लस आर क्रॉस के अंदर, राइट। तो ये हमारे पास ये तीनों जो डेफिनेशन है, ये जो हमारे पास डेफिनेशन दे रही है चारों, ये हमारे पास आर प्लस के अंदर ग्रुप की बात करती है, ठीक है ना।
देन यहां जो डेफिनेशन होती है एसोसिएटिव होता है स्टूडेंट, ये दोनों जो होती है क्या होती है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है। तो ये टोटल हमारे पास पॉइंट्स है, अगर ये सब कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हमारे पास क्या होता है रिंग होता है, राइट। अब बात करते हैं स्टूडेंट इंपॉर्टेंट रिमार्क्स। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें वो आपको समझाना चाहता हूं। आर प्लस मल्टीप्लीकेशन द स्ट्रक्चर जहां पे आर प्लस ऑफ आर इज कॉल्ड द एडिटिव ग्रुप, स्टूडेंट ये एडिटिव ग्रुप होता है, एंड दिस आर क्रॉस इज कॉल्ड मल्टीप्लीकेटिव सेमी ग्रुप। स्टूडेंट यहां पे चूंकि ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन यहां पे जो होगा इसको क्या बोलेंगे मल्टीप्लीकेटिव सेमी ग्रुप। सेकंड पॉइंट द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट कॉम्पोजिशन, इसका जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है स्टूडेंट क्या होता है जीरो होता है, राइट, कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी एंड इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल जीरो, क्योंकि हम जानते हैं कि जो एडिटिव आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है जीरो होती है, एंड इट इज कॉल्ड जीरो एलिमेंट ऑफ द रिंग। स्टूडेंट को हम जीरो एलिमेंट ऑफ द रिंग भी कहते हैं। द एडिटिव इनवर्स, स्टूडेंट हम जानते हैं कि कोई भी एलिमेंट ए है तो उसका जो इनवर्स होता है हमेशा क्या होता है माइनस ए, ताकि वो क्या दे दे आइडेंटिटी एलिमेंट दे दे, राइट, है ना। तो इनवर्स एलिमेंट ऑफ द ए इज डिनोटेड बाय माइनस ए एंड इट इज कॉल्ड इट नेगेटिव ऑफ ए, तो यू नो इट्स, है ना, वेरी इजी। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ द मल्टीप्लीकेटिव कंपोजिशन। स्टूडेंट नॉर्मली रिंग के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट होना जरूरी नहीं है क्योंकि वहां पे सिर्फ एसोसिएटिव लॉ मल्टीप्लीकेशन होता है क्योंकि वो सेमी ग्रुप होता है, राइट। पर अगर बाई चांस आइडेंटिटी हो, बाई चांस हो, है ना, जरूरी नहीं है, बाई चांस अगर हो, है ना, देन इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल वन एंड इट इज कॉल्ड यूनिटी ऑफ द रिंग एंड मल्टीप्लीकेटिव इन, तो इसको हम बोलेंगे रिंग विथ यूनिटी, क्या बोलते हैं इसको, अगर बाई चांस मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी अगर होती है तो उस टाइप की जो रिंग होती है इसको क्या बोलते हैं हम रिंग विथ यूनिटी, क्लियर। एंड अगर बाई चांस हमारे पास मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा हो, क्योंकि इन आइडेंटिटी सही है साथ में इनवर्स भी एग्जिस्ट करे, तो इसमें हम जानते हैं अगर मल्टीप्लीकेशन के अंदर अगर इनवर्स होता है तो हम जानते हैं उसका जो इनवर्स होता है क्या होता है वन अपॉन ए होता है। अगर ए एलिमेंट है उसका जो इनवर्स होगा वो क्या होता है कि वो क्या दे दे आइडेंटिटी एलिमेंट दे दे, क्लियर है। तो वही यहां बोल रखा है एंड द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ ए इफ एग्जिस्ट देन इट इज डिनोटेड बाय वन बाय ए। मैं आपको फिर से बता दूं कि रिंग की डेफिनेशन के अंदर मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स का होना जरूरी नहीं है, अगर होता है तो हम उसको बोलते हैं रिंग विथ यूनिटी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, और नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिंग। स्टूडेंट यहां पे कुछ टाइप्स ऑफ रिंग होता है, मैंने बोला था अभी आपको रिंग विथ यूनिटी, अगर किसी भी रिंग के अंदर मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी भी हो, भैया मैंने बोला जरूरी नहीं है, अगर हो तो क्या बोलते हैं इज सेड टू बी रिंग विथ यूनिटी ऑफ इट्स मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट देयर एग्जिस्ट ई। हम जानते हैं मल्टीप्लीकेटिव की हमारे पास परिभाषा क्या होती है, ई ए इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ई। स्टूडेंट मैंने ग्रुप के अंदर भी बता रखा था कि हमारे पास कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट होता है तो वही सेम प्रॉपर्टी होती है कि एक एलिमेंट आपके पास ए दे रखा है उसके साथ ई अगर मल्टीप्लाई करें या फिर ई को हम ए से मल्टीप्लाई करें तो हमेशा क्या जाना चाहिए ए आना चाहिए। तो ये जो ई होता है ये क्या होता है आइडेंटिटी होता है, हम जानते हैं ऐसा एलिमेंट जो होता है हमारे पास वो क्या होता है वन ही होता है, है ना, और वन यहाँ पे क्या होता है इसका मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी होता है, राइट। नेक्स्ट अब बात करते हैं स्टूडेंट कम्यूटेटिव रिंग। स्टूडेंट कम्यूटेटिव रिंग क्या होता है, अगर मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन के अंदर वो कम्यूट कर रहा है, क्लियर है, नॉर्मली जरूरत नहीं है, मैंने आपको बोला है रिंग की परिभाषा में ये नहीं चाहिए बट फिर भी अगर हो जाए तो उसको हम बोलेंगे कम्यूटेटिव रिंग, राइट। सो आर प्लस मल्टीप्लीकेशन इज सेड टू बी कम्यूटेटिव रिंग इफ इट इज मल्टीप्लीकेटिव कंपोजिशन इज कॉल्ड मल्टीप्लीकेटिव कम्यूटेटिव एंड दैट इज दिस। तो अगर कोई भी रिंग जिसके अंदर मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी भी है और कम्यूटेटिव भी है तो उसको बोलते हैं रिंग विथ यूनिटी एंड या कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, राइट, क्या बोलेंगे इसको हम कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, क्लियर, ओके। सो नेक्स्ट देखिए अब कुछ एग्जांपल लेंगे स्टूडेंट यहां पे बात करते हैं। द सेट आर कंसिस्टिंग अ सिंगल एलिमेंट, किसी जैसे सिंगल एलिमेंट में ग्रुप भी बनता है आपको याद है ना, अगर किसी भी ग्रुप के अंदर एक एलिमेंट है और वो उसका आइडेंटिटी एलिमेंट है तो स्टूडेंट वो क्या होता है ग्रुप होता है। सिमिलरली यहां पे हमारे पास अ सेट कंसिस्टिंग अ सिंगल एलिमेंट जीरो, अगर किसी भी सेट के अंदर जीरो एलिमेंट है विथ टू कंपोजिशन मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन देन, और ये प्रॉपर्टी हमारे पास लाइक जीरो प्लस जीरो जीरो होता है जीरो मल्टीप्लाई बाय जीरो होता है तो वो हमारे पास क्या होता है रिंग होता है एंड दिस इज कॉल्ड जीरो रिंग। क्या बोलते हैं इसको जीरो रिंग बोलते हैं या इसको नल रिंग बोलते हैं या फिर इसको हम ट्रिविअल रिंग बोलते हैं, क्लियर है। सेकंड पॉइंट द सेट ऑफ इंटीजर, स्टूडेंट सेट ऑफ इंटीजर फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ द इंटीजर्स। स्टूडेंट हम जानते हैं कि जो जेड प्लस होता है वो हमेशा क्या होता है ग्रुप होता है, राइट, और हम जानते हैं कि जो जेड मल्टीप्लीकेशन होता है स्टूडेंट ये ग्रुप तो नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी नहीं होती है, सॉरी मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, क्लियर है। तो ये हमारा सेमी ग्रुप होता है और ये हमारे पास क्या होता है एडिशन में ग्रुप होता है। तो स्टूडेंट हम जानते हैं जेड प्लस मल्टीप्लीकेशन हमेशा क्या होगा एक रिंग होगा, क्लियर है। तो जेड प्लस मल्टीप्लीकेशन इज रिंग बिकॉज इट इज अ कम्यूटेटिव रिंग, है ना, विथ यूनिटी, क्योंकि इसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट करता है। स्टूडेंट सिर्फ
जेड मल्टीप्लीकेशन के अंदर एक ही प्रॉब्लम होती है कि वहां पे इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है ना मल्टीप्लीकेशन। हम जानते हैं कि अगर टू अगर हमारे पास यहाँ पे जेड के अंदर है तो हम जानते हैं कि वन बाई टू इज नॉट बिलोंग्स टू जेड, इसलिए स्टूडेंट ये हमारे पास जेड प्लस के अंदर ग्रुप नहीं होता है, जेड मल्टीप्लीकेशन में ग्रुप नहीं होता है। पर स्टूडेंट यहाँ पे आइडेंटिटी हमेशा होती है प्लस एक कम्यूटेटिव भी होता है। स्टूडेंट यहाँ पे अगर कोई भी दो एलिमेंट हम लेंगे यहाँ पे तो बी इज इक्वल टू ए होता है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि जो जेड प्लस है वो ग्रुप तो होता है, प्लस जेड मल्टीप्लीकेशन क्या होता है भैया, एसोसिएटिव होता है, तो वो रिंग तो बनेगा, इसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट भी होता है, तो इसको बोलते हैं रिंग विथ यूनिटी। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में वो कम्यूटेटिव भी होता है, तो इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। तो हमारे पास जो आर जेड प्लस मल्टीप्लीकेशन होगा ये क्या होगा जी, कम्यूटेटिव एंड वन, सो द यूनिटी ऑफ एलिमेंट इज जेड इज वन। सिमिलरली द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ द नंबर्स आर कम्यूटेटिव रिंग्स। स्टूडेंट ये भी हमारे पास कम्यूटेटिव रिंग होता है, ये भी हमारे पास कम्यूटेटिव रिंग होता है, लाइक रेशनल नंबर है ना, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। देन यहाँ पे ये जो एम जेड प्लस मल्टीप्लीकेशन, स्टूडेंट यहाँ जो एम होता है ये हमारे पास क्या होता है, प्राइम नंबर होता है, क्लियर है। तो इस टाइप के जो एलिमेंट्स होते हैं वैसे 2z, 3z, 4z वो हमारे पास क्या होंगे, ग्रुप की प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या करेगा, जो प्राइम होना जरूरी नहीं है, mz भी चलेगा, क्लियर है। तो वो हमारे पास क्या होता है यहाँ पे, कम्यूटेटिव ग्रुप होता है, क्लियर है। तो स्टूडेंट मुझे लगता है आप सभी को यहाँ पे समझ में आया होगा। देन हमारे पास यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, द सेट आर ए कोमा बी विथ एडिशन प्लस एंड मल्टीप्लीकेशन डिफाइंड, यहाँ पे आपको डिफाइन कर रखा कि प्लस है तो ए प्लस ए इज इक्वल टू ए आ रहा, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी आ रहा, देन बी प्लस ए इज इक्वल टू यहाँ पे क्या रहा है ए बी आ रहा है, एंड ए बी प्लस बी इज इक्वल टू यहाँ पे क्या रहा है ए आ रहा है, और यहाँ पे एक मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन दे रखा है जहाँ पे ए बी दे रखा है, तो ए इंटू ए देन ए इंटू बी ए देन बी इंटू बी बी इंटू ए ए देन बी इंटू बी इज इक्वल टू बी, तो इस टाइप का ऑपरेशन दे रखा है। तो स्टूडेंट जानते हैं जब भी ये सेम रिपीट होता है तो ये हमारा क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। और यहाँ पे देखो यहाँ पे कौन रिपीट हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है, तो ये हमारा क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। तो स्टूडेंट ये तो हमारे पास ग्रुप की सभी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है ना, सो इट इज कॉल्ड क्या है देखो यहाँ पे, इज अ कम्यूटेटिव रिंग है ना विथ यूनिटी, क्योंकि यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट भी मल्टीप्लीकेशन में है एंड ए इज इट्स जीरो स्टूडेंट यहाँ पे एलिमेंट एंड बी इज इट्स यूनिट। स्टूडेंट यहाँ पे ये जो होगा ये इसका क्या होगा, आइडेंटिटी वाला। तो हम जानते हैं एडिशन में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, जीरो होता है, और यहाँ पे हम जानते हैं इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, वन होता है, तो बी इसका क्या होगा, यूनिटी होगा, और यहाँ पे ये क्या होगा, इसका जीरो होगा, क्लियर। इस द सेट ऑफ एम ऑफ एन इंटू एन मैट्रिसेस, स्टूडेंट हमारे पास जो एन इंटू एन मैट्रिसेस विद द रियल नंबर एज देयर एलिमेंट इन द रिंग अंडर द एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन मैट्रिसेस इज इट इज अ रिंग विथ यूनिटी एंड नॉन कम्यूटेटिव। स्टूडेंट जानते हैं यहाँ पे मैट्रिक्स के अंदर ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती है ना, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, तो ये यहाँ पे जो रिंग तो होगी पर ये क्या होगी, नॉन कम्यूटेटिव रिंग होगी, राइट। यहाँ पे ग्रुप की प्रॉपर्टी सभी सेटिस्फाई होगी प्लस यहाँ पे यूनिटी भी होता है, क्योंकि हम जानते हैं मल्टीप्लीकेशन के अंदर हमारे पास जो यूनिटी होती है वो क्या होती है, ये होती है, राइट है ना। तो इसमें यहाँ पे यूनिटी होगा बट ये कम्यूटेटिव नहीं होगा है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे जो रिंग होती है वो क्या होती है, रिंग विथ यूनिटी होती है बट नॉट कम्यूटेटिव। स्टूडेंट यहाँ पे बात करेंगे तो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, ये मॉडुलो वाला, राइट है। स्टूडेंट मॉडुलो स्ट्रक्चर के बारे में मैंने ग्रुप में काफी सारा अच्छा समझा रखा था, यहाँ टेप पे जाके एक बार देख लीजिए। तो जेड एन प्लस एन एन मल्टीप्लीकेशन एन लाइक वेन एन इज द मॉडुलो है ना, इज अ कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है ना। यहाँ पे क्या होता है, कम्यूटेटिव रिंग होती है विथ यूनिटी होती है, बिकॉज ये हमारे पास क्या होता है, कम्यूटेटिव ग्रुप होता है, एंड जेड मल्टीप्लीकेशन जो होता है इज ए सेमी ग्रुप सेटिस्फाइंग द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। स्टूडेंट ये सेमी ग्रुप भी होता है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। तो स्टूडेंट ये भी हमारे पास क्या होती है, रिंग होती है। तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिए। सो स्टूडेंट यहाँ पे रिंग के ऊपर कुछ एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज होती है जिस पे बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। सो फर्स्ट सबसे पहला थ्योरम लेंगे यहाँ पे। सो थ्योरम फर्स्ट बोलती है, मतलब ये चार पांच पार्ट है जिसमें एग्जाम में बड़ा पूछ लिया जाता है, फॉर एनी एलिमेंट ए बी सी ऑफ अ रिंग आर। सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है कि ए जीरो इज इक्वल टू जीरो, ए इज इक्वल टू जीरो। देन सेकेंड होती है हमारे पास ए इंटू माइनस बी इज इक्वल टू माइनस ए बी इज इक्वल टू माइनस ए इंटू बी। देन माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू माइनस ए बी है ना। देन ए एक्चुअली यहाँ पे प्लस आना चाहिए, ये प्लस ए बी आएगा। देन ए इंटू बी माइनस ए इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी, एंड बी माइनस सी इज इक्वल टू ए इंटू ए इज इक्वल टू बी ए माइनस ए। तो एक एक करके मैं आपके सामने प्रूव करूंगा। स्टूडेंट सबसे पहला पार्ट प्रूव करेंगे, बड़ा सिंपल सा पार्ट है। स्टूडेंट क्या करेंगे, बी इज इक्वल टू बी प्लस जीरो हम लिख सकते हैं, क्योंकि जीरो एलिमेंट अगर इसके साथ ऐड करेंगे तो बी आएगा। स्टूडेंट क्या करेंगे, दोनों तरफ इसको ए से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, दोनों तरफ इसको हम ए से मल्टीप्लाई करेंगे, बिल्कुल कर सकते हैं जी, ठीक है, दोनों तरफ करा। इसमें हम जानते हैं यहाँ पे क्या आएगा, ए बी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए इंटू जीरो, लाइक बिल्कुल हम ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे
है ना। देन स्टूडेंट हम जानते हैं यहाँ पे अगर मैं इस ए बी के साथ प्लस जीरो भी लिख दूँ तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं इसकी वैल्यू इसके बराबर ही होती है। स्टूडेंट ए बी से भी हम यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि कैंसिलेशन लॉ यहाँ लगता है। तो हम जानते हैं जीरो इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, ए डॉट जीरो, बिल्कुल ये प्रॉपर्टी हमारे पास क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। तो हमारे पास ये फर्स्ट वाला पार्ट तो प्रूव हो गया। स्टूडेंट इसी टाइप से हमने यहाँ पे क्या करा, अभी हमने आपके सामने लिया था कि बी इज इक्वल टू बी प्लस जीरो, स्टूडेंट यहाँ पे सेम वापस लेंगे। अभी हमने ए को आगे से मल्टीप्लाई किया, अभी ए को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पीछे से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट, वही पीछे से मल्टीप्लाई करेंगे। स्टूडेंट वापस यहाँ पे क्या कर देंगे, प्लस जीरो कर देंगे यहाँ पे। स्टूडेंट ये बी ए से ये बी ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, देन यहाँ पे हो जाएगा जीरो ए इज इक्वल टू जीरो। तो हमारे पास नेक्स्ट वाला पे पार्ट प्रूव हो जाएगा, ये वाला भी प्रूव हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको हम प्रूव करते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट वाले बात करते हैं इसकी, है ना। तो स्टूडेंट देखिए नेक्स्ट वाला पार्ट क्या करेंगे, ये तो हो गया। देन सेकंड पार्ट देखिए, हम जानते हैं किसी भी जीरो एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम जानते हैं वो जीरो ही आता है, ठीक है। तो स्टूडेंट हम जानते हैं जो जीरो है इसको हम लिख सकते हैं माइनस बी प्लस बी, है ना, बिल्कुल, क्योंकि बी है तो माइनस बी उसका क्या होगा, इनवर्स होगा, ठीक है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, स्टूडेंट हम क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस का ए बी, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव लो, है ना, ए बी इज इक्वल टू जीरो। स्टूडेंट ये ए बी उधर जाएगा तो बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं, देखो ये हमारा प्रूव हो गया, क्लियर है, ए इंटू माइनस बी इज इक्वल टू ए बी। स्टूडेंट अब इसको उल्टा करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस ए, अब हमने क्या करा था ये इसके लिए, अब यहाँ पे माइनस ए प्लस ए इंटू बी करेंगे, बिल्कुल जी बी अंदर मल्टीप्लाई हुआ, है ना। तो क्या आएगा, माइनस का बी ए प्लस ए बी इज इक्वल टू जीरो, ए बी उधर गया तो ये आ गया। स्टूडेंट हमारे पास ये वाला पोर्शन भी प्रूव हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पे सेकंड पार्ट को हम प्रूव करते हैं, बड़ा इजी है, सिंपल है, आप आराम से इसको प्रूव कर सकते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट आपको दे रखा है माइनस ए इंटू माइनस बी। तो स्टूडेंट आप सब फर्स्ट ऑफ ऑल इसको लेंगे, तो ये जो ये इसको आप क्या करिए, माइनस ये आप ले लीजिए ए इंटू माइनस बी। तो हम जानते हैं ए इंटू माइनस बी हमारे पास क्या होता है, माइनस का ए बी होता है, अभी मैंने आपको बताया था, है ना। सब फर्स्ट बी वाला पार्ट, बी वाला पार्ट में देखिए, बी वाला पार्ट में क्या था, ये रह गया माइनस ए इंटू बी किसके बराबर होता है, माइनस ए बी के बराबर होता है ना। या आप इसको ले लो ज्यादा अच्छा, ए इंटू माइनस बी इज इक्वल टू माइनस ए बी, दिस वन इज ओके, है ना। तो देखिए यहाँ पे वही करेंगे, इसको इसको माइनस को रहने दो, इसके ऊपर लगाएंगे तो ये आएगा माइनस ए बी। इसमें माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ए बी, मतलब बहुत सिंपल से क्वेश्चन आप आराम से इसको कर सकते हैं। स्टूडेंट ए इंटू बी माइनस सी क्या होगा, स्टूडेंट इस ए को अंदर की तरफ मल्टीप्लाई करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से, क्या आएगा ए बी इंटू ए माइनस सी। और स्टूडेंट ए माइनस सी क्या होता है, अभी हमने प्रूव किया था माइनस ए सी हो जाएगा, क्लियर है। इस टाइम से बी माइनस सी इंटू ए इज इक्वल टू क्या होगा, स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा, ए अंदर जाएगा तो क्या आएगा, बी ए इंटू माइनस सी इंटू ए, स्टूडेंट जाते हैं माइनस आ गया जाएगा। तो लाइक बहुत सिंपल तरीके से यहाँ पे इसको हम क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। तो स्टूडेंट इस तरीके से यहाँ पे हम रिंग थ्योरी का जो इंट्रोडक्शन है मैंने आपको दिया, और इस पर बेस्ड मैंने कुछ क्वेश्चंस और कुछ प्रॉपर्टीज को आपके सामने प्रूव करके बताया। स्टूडेंट मैं जो नेक्स्ट जो क्लास लेके आने वाला हूँ उसमें सम स्पेशल टाइप ऑफ द रिंग होता है, लाइक डिविजन रिंग क्या होता है, बूलियन रिंग क्या होता है ना, तो और रिंग के ऊपर कुछ और भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। उसके बाद बात करूंगा मैं इंटीग्रल डोमेन, देन उसके बाद करेंगे हम फील्ड क्या होता है, तो और उसके बाद फिर मैं जो उनके क्वेश्चंस हैं उन पे बेस्ट क्वेश्चंस हैं वो, और उसमें बेस्ट थ्योरम्स हैं वो आपके सामने डिस्कस करूंगा। तो स्टूडेंट 5 से 6 लेक्चर हो रहे हैं जिसमें इस टॉपिक में क्या करूंगा, कंप्लीट करने वाला हूं। तो स्टूडेंट बने रहिए मेरे साथ, बहुत ही अच्छा कंटेंट मैं आपके लिए अपलोड कर रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा। और स्टूडेंट यहाँ पे जो IT12 यहाँ पे आप मेरी वीडियोस देखते रहिए, और ये जो मेरे लास्ट में लेक्चर्स आ रहे हैं स्टूडेंट, ये मेरा नया चैनल है जहां पर मैं जनरल एप्टीट्यूड पे बार बार मैं बोल रहा हूँ, जनरल एप्टीट्यूड पे मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छा कंटेंट अपलोड कर रहा हूँ, प्लीज मुझे यहाँ भी अपना सपोर्ट दीजिए। और ये मेरा नया वाला चैनल जहाँ पर आप देख सकते हैं, और ये मेरे वीडियोस हैं स्टूडेंट, यहाँ पे मेरे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के ऊपर जो ग्रुप थ्योरी की वीडियोस हैं अपलोड करके आप देख सकते हैं, और ये मेरा ये वाला चैनल, यहाँ पे जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो स्टूडेंट थैंक यू सो मच, बाय।